अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट रिलीज शुरू की हुई है और हमारी ऑलमोस्ट सारी जावास्क्रिप्ट खत्म हो गई है, आज के इस लेक्चर में हम लोकल स्टोरेज को पढ़ेंगे। लोकल स्टोरेज क्या होती है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने देख लिया कि आज के इस लेक्चर में हमने लोकल स्टोरेज को पढ़ना है। लोकल स्टोरेज क्या है, ठीक है, उसको क्यों यूज़ करते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमने जितनी भी जावास्क्रिप्ट पढ़ी है ना, उसके अंदर हम डाटा के साथ खेल रहे हैं, सही है। कोई चीज़ स्टोर कर रहे हैं, कोई चीज़ रिट्रीव कर रहे हैं, कोई चीज़ सेव कर रहे हैं, कोई चीज़ अपडेट कर रहे हैं, कोई चीज़ डिलीट कर रहे हैं। इस सारे काम को करने के लिए ना फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट होना पड़ता है। और बैक एंड में क्या होता है, हमारे पास एक डाटा बेस होता है, कह लें एक अलमारी होती है जिसमें हम चीज़ें रखते जाते हैं, जब निकालनी होती है हम उस अलमारी से निकाल लेते हैं, ठीक है। उस अलमारी से जो चीज़ें निकाल के लाते हैं उसको कहते हैं बैकएंड, ठीक है, ठीक है। और अलमारी को कहते हैं डेटाबेस, ठीक है। अभी हम बैकएंड पे नहीं जा रहे, ना ही हम डेटाबेस को पढ़ने लगे हैं, लेकिन डेटाबेस जैसी एक चीज़ होती है लोकल स्टोरेज, जो कि फ्रंट एंड से ही हम उसके साथ काम कर सकते हैं। और उसमें क्या होगा कि आपका डेटाबेस का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत इसमें क्लियर भी हो जाएगा, और जो जावास्क्रिप्ट का एक्चुअल फंक्शनैलिटी है वो हम लोकल स्टोरेज की मदद से काम कर सकते हैं। सपोज़ आपकी एक असाइनमेंट है कि आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, उस ई कॉमर्स स्टोर में यूज़र को लॉगिन भी करना है, यूज़र को लॉगआउट भी करना है, यूज़र का डाटा भी सेव करना है कि उसने ऐड टू कार्ट में क्या डाला था, समझ आई। ये सारी चीज़ें हम लोकल स्टोरेज के ज़रिए कर सकते हैं। तो अब इसका थोड़ा सा हम ब्रीफली देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले वो बता रहे हैं कि लोकल स्टोरेज इज़ अ वे टू स्टोर डाटा ऑन द यूज़र ब्राउज़र, यानी कि जो ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं जैसे क्रोम है, सफारी है, कोई भी है, उसके अंदर ये डाटा सेव हो रहा होता है, ठीक है। और इस जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि ये एक छोटा सा डेटाबेस है, ठीक है, और जो कि ब्राउज़र के अंदर ही होता है और आपका डाटा भी वहीं पे सेव करता है, ठीक है। लोकल स्टोरेज इज़ अ विंडो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, यानी कि हमने जब इसको कह लें कॉल करना होता है वो विंडो की प्रॉपर्टी से कॉल सकते हैं, कर सकते हैं विंडो डॉट लोकल स्टोरेज इस तरह करके। और ये ग्लोबल है, ठीक है, और इसके साथ हम पूरे ब्राउज़र को सिलेक्ट करके उसके अंदर सारी वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। विंडो डॉट लोकल स्टोरेज यूज़ करेंगे तो वो हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे ये लिखा आ रहा है ना विंडो डॉट लोकल स्टोरेज। उसके बाद जो भी हम इसके फंक्शंस यूज़ करेंगे, फंक्शंस हम लेक्चर नेक्स्ट में पढ़ेंगे, अभी जस्ट हम इसका यूज़ केस और इसका एक किस्म का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। लोकल स्टोरेज में वो कह रहे हैं कि विंडो डॉट लोकल स्टोरेज की प्रॉपर्टी से हम काम करते हैं और उसके साथ ही हम डॉम का जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ खेल सकते हैं, उसके अंदर हम चीज़ें रख सकते हैं, चीज़ें वापस निकाल सकते हैं, ठीक है। डॉम जो हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था डॉम भी, ऊपर आई टैग में आ रहा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो लाजमी देखें। इसके बाद वो कह रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नेम स्पेसेस होती हैं, ठीक है। और उस विंडो डॉट लोकल स्टोरी जो है वो एक रीड ओनली प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि रिटर्न करती है उस रेफरेंस को जिसको हमने बुलाया होता है, ठीक है, और फिर डेटा को हम स्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं अगर हम सिंपल लोकल स्टोरेज भी लिखें वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी विंडो डॉट लोकल स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल लोकल स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसको कॉल करने के तरीके हैं डिफरेंट। तो लोकल स्टोरेज इज़ यूज फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा, जब हमने डाटा स्टोर करना होता है या डाटा गेट करना होता है तो हम सिंपल लोकल स्टोरेज भी लिखते हैं, ठीक है। और इसमें सिर्फ आप छोटा मोटा डाटा रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बड़ा बड़ा डाटा बेस नहीं है कोई, 5 MB का डाटा बेस है सिर्फ, 5 MB से बड़ी चीज़ें इसमें नहीं रख सकते। जैसे सपोज़ करें आप कोई इमेज स्टोर कर रहे हैं तो अगर वो इमेज ही 5 MB की है तो इसके बाद आप इसके अंदर कुछ और नहीं रख सकेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको इस टाइप से ही यूज़ करना है। अच्छा, अब लोकल स्टोरेज कहाँ यूज़ करनी है, जैसे मैंने शुरू में भी बता दिया कि ये सारा कुछ डिवाइस में आपकी ब्राउज़र में सेव हो रहा होता है, ठीक है। तो आपने इसमें कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं स्टोर करनी, ताकि अगर कोई और यूज़ करे आपकी डिवाइस या आपका ब्राउज़र तो उसको ना वो शो हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, सपोज़ करें आप एक वेबसाइट यूज़ करें जिसमें 10 किस्म की लैंग्वेजेस हैं, उसमें से आपने एक दफ़ा इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, अब वो जो बैकएंड पे एक्चुअल काम जो हो रहा होगा ना तो वो फ्रंट एंड में ही जिसने उसकी कोडिंग की होगी वो क्या कर रहा होगा, आपने जब इंग्लिश सेलेक्ट किया ना उसने उसका एक वेरिएबल बना के आपके लोकल स्टोरेज में रख दिया, ताकि जब भी आप लॉगिन होंगे ना तो वो आपको डायरेक्ट इंग्लिश ही सेलेक्ट करके देगा, जैपनीज नहीं देगा या दोबारा नहीं पूछेगा कौन सी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आप अपना ये छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे डार्क या लाइट थीम आप काफ़ी सारी वेबसाइट्स में सेलेक्ट करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि हम वो छोटी मोटी चीज़ें इसमें सेव कर सकते हैं या कोई कैशे का डाटा हो। उसके बाद लोकल स्टोरेज के अंदर हम जो डाटा स्टोर करते हैं वो कभी भी गायब नहीं होता, ठीक है, गुमता नहीं है,
बेशक आप ब्राउज़र को बंद भी कर देना, अपने क्रोम को अपने बंद कर दिया, कंप्यूटर शट डाउन कर दिया, ठीक है, वो वहीं पे सेव रहेगा जब सेव करवा दिया। इसके बाद हमारे पास है जी, इसके बाद हम कहाँ कहाँ यानी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारी एक वेबसाइट है जिसमें हमने लॉगिन और लॉग आउट बनाया, तो हम लॉगिन जब करते हैं ना तो एक सेशन क्रिएट होता है, वो जब हम करेंगे तो आपको समझ आएगी। लेकिन आम अल्फाज में बताता हूँ कि अगर हम सपोज हमने किसी फेसबुक पे लॉगिन किया हुआ, ठीक है, हम दोबारा फेसबुक खोलें, दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि उसने सेव कर लिया होता है हमारा सेशन। इससे क्या होता है, वो हम ब्राउज़र को बता देते हैं यार इस बंदे ने लॉगिन कर लिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको लॉग आउट नहीं कर देना। हाँ, उसका भी एक टाइम फ्रेम होता है, सपोज 2 महीने तक आप लॉगिन नहीं रह सकते, मतलब वो डिपेंड करता है उस बंदे ने क्या रखा हुआ है, ठीक है, वो सेशन एक्सपायर हो जाता है। किसी ने 1 दिन का रखा होता है, किसी ने 10 मिनट का रखा होता है, कुछ सेंसिटिव वेबसाइट्स हैं, जैसे बैंक की कोई वेबसाइट पर आप लॉगिन करें ना तो 2-4 मिनट बाद वो आपका सेशन एक्सपायर कर देते हैं, बेशक उस खोला भी हो ना अपने ब्राउज़र, आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है, यानी अगर आप कुछ नहीं कर रहे उस ब्राउज़र पे, उसकी वेबसाइट पे, ठीक है। तो इसी तरह आपने अगर सेशन स्टोर करने हैं तो आप लोकल स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये वही जैसे मैंने सारी बात बताई कि वो लॉगिन ही रहेगा आपका। अब हमने जो लोकल स्टोरेज में चीज़ें स्टोर करते हैं वो सेफ कहाँ पे हो रही होती है, ब्राउज़र के अंदर होती है, ठीक है, और इसके अलावा वो हमारी कभी कभी हमारी डिवाइस यानी लैपटॉप या पीसी में भी स्टोर हो रही होती है। डिफरेंट किस्म की अप्रोचेज होती हैं डिफरेंट किस्म के ब्राउज़र्स के ऊपर, ठीक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो जैसे विंडो है तो उसमें सी यूज़र्स यानी लोकली सी में जाएँ, उसमें यूज़र्स का फोल्डर, उसका आपके नाम का फोल्डर होगा, उसमें ऐप डाटा, लोकल, गूगल, क्रोम, यूज़र, ये सारा पाथ लिखेंगे, उसके बाद जाके लोकल स्टोरेज का डाटा वहाँ पे भी पड़ा होगा, ठीक है, ब्राउज़र के अंदर से भी हम देख सकते हैं और यहाँ पे भी पड़ा होगा। ऐसे मैक ओएस का और लिनक्स लिनक्स का डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का बता दिए, ठीक है। की फीचर्स हमारे इसके अंदर क्या क्या हैं, इसमें सबसे पहले ये है कि हम डाटा स्टोर कर सकते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है, इवन के ब्राउज़र बंद भी हो जाए तो भी वो उसके अंदर सेव रहेगा, कंप्यूटर रीस्टार्ट भी हो जाए तो भी उसके अंदर सेव रहेगा। इसके बाद हमारे पास है जी डाटा स्टोर्ड इन लोकल स्टोरेज प्रिजिस्ट इवन आफ्टर द ब्राउज़र, ये मैंने आपको बता दिया। और 5 MB का इसमें डाटा हम सेव कर सकते हैं, छोटी मोटी सेटिंग्स जैसे थीम, लैंग्वेजेस, सेशंस, ठीक है, इस तरह की छोटी मोटी जो ज़्यादा स्पेस ना लें। और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोकल स्टोरेज के अंदर हम सिर्फ स्ट्रिंग्स सेव कर सकते हैं, आप कहें कि अरे सेव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट सेव कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ स्ट्रिंग सेव कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने ऑब्जेक्ट सेव करने हैं तो उसको भी स्ट्रिंगीफाई करना पड़ेगा। स्ट्रिंगीफाई एक मेथड है जिसे कोई भी चीज़ को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने किसी स्ट्रिंग के बगैर की चीज़ को स्ट्रिंग इसमें लोकल स्टोरेज में सेव करना है, सबसे पहले उसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। उसको स्ट्रिंग बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक जावास्क्रिप्ट का जेसन का एक फंक्शन है, उसको कहते हैं स्ट्रिंगीफाई, तो वो हम यूज़ करेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको परफॉर्म भी करके देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखें, अगर हमारे पास ये पेज है, हम इस पर इंस्पेक्ट पर जाते हैं जहाँ से हम कंसोल देखते थे ना, ये कंसोल है, यहाँ से आगे जाएँ अगर आप इसको, अगर हम इसके पास जितनी ज़्यादा विड्थ होगी ये अपने खोलता जाएगा, लेकिन आपके पास ये राइट साइड पे ये मेन्यू आ रहा है, एप्लीकेशन में जाना है अपने इसमें से, ठीक है, एप्लीकेशन में जाके आपके पास ये जो आ रहा है ये देखें, ये स्टोरेज है डिफरेंट टाइप्स की, इसमें से हमने जो देखनी है ना वो हमने देखनी है लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो ये देखेंगे हमारे पास स्टोरेज के अंदर सबसे पहले ही लोकल स्टोरेज आ रही है, उसके अंदर भी हमने कुछ सेव नहीं किया हुआ, ठीक है। इसमें कैसे चीज़ें सेव होती हैं, कोई की होती है यानी जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर होता है ना प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, ऐसे यहाँ पे भी की होती है और उसकी वैल्यू, इस तरह ही हम सिर्फ चीज़ें सेव कर सकते हैं। की भी आपने भेजनी है और वैल्यू भी आपने भेजनी है, और वैल्यू स्ट्रिंग में ही सेव हो सकती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लोकल स्टोरेज का, कि उसको हमने क्यों यूज़ करना है, वो क्यों बनी है, उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जैक्टली प्रैक्टिकल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, हम उसमें चीज़ें स्टोर करके देखेंगे, उसमें से चीज़ें गेट करके देखेंगे, उसमें से चीज़ें डिलीट करके देखेंगे, ठीक है, जो भी उसकी फंक्शंस हैं वो सारे हम परफॉर्म करके देखेंगे। और उसके बाद हम स्ट्रिंगीफाई और पार्स का भी एक लेक्चर होगा जिसमें हम चीज़ों को स्ट्रिंग बनाना और स्ट्रिंग से दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाना को देखेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।